नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं आपके साथ वंशिका। हरियाणा में इस समय चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। भाजपा कांग्रेस के बीच तीखी जुबानी जंग चल रही है। हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी में छात्रों से रूबरू हुए थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और देश के प्रधानमंत्री को लेकर तीखी टिप्पणी की, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए। राहुल गांधी के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने टेक्सास में बीजेपी और आरएसएस की धारणा की है, महिलाएं घर पर बैठे रसोई में खाना बनाए और ज्यादा बात न करें। इस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी की ये आदत में शुमार है कि वह बाजार जाकर देश को गालियां देते हैं। देश में रहते हुए भी ये कई बार ऐसा कर चुके हैं, जिससे लगता है कि ये बाहर वाले देशों की भाषा बोलते हैं। विज ने कहा कि राहुल गांधी के अंदर देश प्रेम कितना है ये सारा हिंदुस्तान जानता है। राहुल गांधी को आरएसएस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि आरएसएस में भी महिलाएं की विंग बनी हुई है। गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में विद्यार्थियों से गुफ्तगू के दौरान ये भी कहा कि लोकसभा नतीजे आने के बाद ये साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस का डर लोकसभा चुनाव के बाद लगभग गायब हो गया है। राहुल के इस बयान पर विज ने फिर से राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि आज भी रूस जैसी महाशक्ति यूक्रेन के साथ युद्ध में मध्यस्थता करने के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लेती है। यही बात इटली की प्रधानमंत्री ने भी कही कि हिंदुस्तान इस मामले में मध्यस्थता कर सकता है, ये नरेंद्र मोदी की मजबूती की सबसे बड़ा सबूत है। राहुल गांधी ने टेक्सास में चीन की तारीफ करते हुए कहा कि चीन ग्लोबल व्यापार की तरफ ध्यान देता है, लेकिन भारत में बेरोजगारी और व्यापार का बुरा हाल है। विज ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैंने तो पहले ही कहा है कि राहुल गांधी विदेशियों की भाषा बोलते हैं। अब ये नहीं पता कि राहुल गांधी किस किस देश के एजेंट हैं, लेकिन बोलते ये बाहर के देशों की भाषा है। ऐसी ही दिलचस्प खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारे साथ नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।